रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। ट्रेनों में जल्द ही मुसाफिरों को एक बार फिर से पका हुआ गर्म खाना खाने को मिलेगा। कब से मिलेगा खाना और क्या है रेलवे की तैयारियां, ये बताने के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पांडे। सौरभ, 14 फरवरी से रेल यात्रियों के लिए तो खुशखबरी रहेगी ही, उनको गर्म खाना मिलेगा, लेकिन इसमें एक और चीज बताइए कि जो मेन्यू पहले से चला आ रहा था, क्या वही मेन्यू रहेगा या किसी तरह के बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है रेल यात्रियों के लिए आ रही है कि ये है, 14 फरवरी से जो है सभी गाड़ियों में जो है आपको गर्म खाना मिलेगा। आपको बता दें, ये जो सर्विसेज थी पहले ही जो है लगभग 428 ट्रेनों में शुरू कर दी गई थी, जिसमें प्रीमियम ट्रेनें भी शामिल थी, जैसे राजधानी, शताब्दी और दुरंतो। लेकिन इसके बाद जो है जो कुछ ट्रेनें जो बाकी रह गई थी उसमें जो है इसकी जो सर्विसेज है उसको शुरू कर दिया था, क्योंकि कई यात्रियों से लोगों को और सरकार जो है वो सुझाव दिए गए थे कि सरकार को जो है खाना की सेवा शुरू कर देनी चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अब से कुछ देर पहले ही एक फैसला आया है कि 14 फरवरी से जो है रेल के ट्रेनों में रेल यात्रियों को जो है वो खाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब बात की जाए मेन्यू की, तो मेन्यू के बारे में जो डिटेल्स दी गई है वो अभी धीरे धीरे जो है क्लियर होके आएगी। जैसे जैसे जो है खबर बढ़ेगी, उसी तरह से जो है यात्रियों के लिए जो भी सुविधा है वो धीरे धीरे जो है वो मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि रेल यात्रियों को, जो रेल से यात्रा करते थे, उनको जो है ट्रेन में पका हुआ ताजा खाना मिलेगा। बिल्कुल, यानी अभी तक जो पैक्ड फूड रेल में मिलता था, आप लोग पैक्ड फूड खा के बोर हुए थे, तो अब ये अच्छी खबर है कि 14 फरवरी से ताजा गर्म खाना मिलेगा। बस हाँ, क्वालिटी जरूर बेहतर हो, ये सरकार को देखना होगा, क्योंकि रेलवे के खाने की क्वालिटी को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी बेहतर हो तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए।